हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा ग्लैंसा के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस टोयोटा ग्लैंसा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी गाइस सबसे पहले तो ये प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी की कार है। इसमें जो भी अलग अलग गाड़ियां आते हैं और ये गाड़ी जो बेस्ड है ये बलेनो पे बेस्ड है। मारुति सुजुकी नेक्सा बलेनो जो इतनी पॉपुलर गाड़ी है हैचबैक है उसी पे ये गाड़ी बेस्ड है। उसी का इंजन वगैरह इसमें लगे हुए हैं मारुति सुजुकी का और गाड़ी दिखने में भी बहुत ज्यादा सिमिलर है बलेनो से। अगर आप साइड से देखोगे आगे से पीछे से बहुत कुछ आपको सिमिलर दिखेगा। हेडलैम्प्स जो है वो उसके डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। बलेनो का फेसलिफ्ट जो है उसमें डिजाइन अलग है हेडलैम्प्स का और ग्लैंसा का जो हेडलैम्प्स है वो भी अलग है बलेनो से थोड़ा बहुत। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, वरना आपको दोनों गाड़ी सेम भी लग सकता है। बाकी आपको ग्लैंसा में चार वेरिएंट देखने को मिल जाता है ई एस जी वी। वी जो है वो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाता है, लेकिन एक चीज की कमी जो है वो खलती है वो है सनरूफ का, क्योंकि चलो कोई बात नहीं उससे एडजस्ट हो जाता है। प्राइस भी तो कम है गाड़ी का, कोई बात नहीं। गाइस प्राइस की बात करूं तो गाड़ी आपको एक शोरूम 6.60 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और ये अप टू 10 लाख रुपीस एक शोरूम तक जाता है और डेफिनेटली ऑन रोड प्राइस बढ़ जाता है किसी किसी रीजन में। और ये हम मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी पे बलेनो पे बेस्ड है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको एक इंजन देखने को मिलता है, वो है 1.2 लीटर का यानी कि 1200 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर सुजुकी डुअल जेट डुअल वीपीटी इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे सुजुकी का नाम आया, डेफिनेटली उसका इंजन है तो उसका नाम तो आएगा ही। बाकी ये जो इंजन है इसे पावर प्रोड्यूस करेगा 88 हॉर्स पावर का और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो है 113 न्यूटन मीटर का। बाकी गाड़ी जो है वो नियर अबाउट 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। अब फिर आपके वही ड्राइविंग कंडीशंस के पे भी डिपेंड करता है गाड़ी कितना माइलेज देगा सिटी में और हाईवे पे, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी गियरबॉक्स की अगर मैं बात करूं तो गियरबॉक्स आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। गाइज गाड़ी जो है वो काफी सही है, मतलब इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से टोयोटा का ब्रांडिंग है और आपको जो प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में ये वाली गाड़ी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है तो वो आप ले सकते हैं गाड़ी। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर पाए तो आप i20 N-Line भी चेकआउट कर सकते हैं, वो गाड़ी भी इस कैटेगरी में आती ही है लेकिन वो N-Line है, उसमें पावर वगैरह फिगर्स वगैरह ज्यादा है और उसमें और भी कुछ कुछ जो फीचर्स हैं वो ज्यादा है उसमें, तो इसलिए उसको वो महंगी है। नियर अबाउट 14 के आसपास उसका प्राइस आ जाता है, तो अगर आप चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका बजट टाइट है तो आप डेफिनेटली ग्लैंसा की तरफ जा सकते हैं। गाइस आपको ग्लैंसा कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।